धमतरी के सिलौटी गांव से एक परिवार जिन्हें लगभग 50 दिन से गांव से कुछ दबंगों ने बाहर निकाल दिया है, वे आज दर बदर दाने दाने को मोहताज हैं, अपने रिश्तेदारों के घर रहकर गुजर बसर कर रहे हैं। आज धमतरी के सिलौटी से चलकर राजधानी की ओर रुक किए हैं और एक न्याय की मांग को लेकर यहाँ आए हैं। जानना चाहेंगे कि उनकी क्या समस्याएं हैं, उन्हें गांव के दबंगों ने क्यों निकाल दिया है आपके गांव से। हमें आबादी के लिए जो जगह दे रही से हमारे में कब्जा करें, फिर वो दबंग मतलब पसंद नहीं इसे, तो हमारे जोर जबरदस्ती करके झोपड़ी ला तोड़ ताड़ के गांव से बाहर निकाल दी। जैसा कि आप बता रहे थे कि आपको मोबाइल से बातचीत करने के लिए भी मना किया गया है, तो क्यों? अब वो जो योगेश्वर सिन्हा है, जो शासकीय कर्मचारी है, वो हमला 70,000 रुपये के मांग करी, वो मांग हमन पूरा नहीं कर पाए हैं, तो हमला झोपड़ी तोड़ ताड़ के फेंके के धमकी दे के साथ में धमकी दी से, और वो हमला तोड़ ताड़ के पूरा निकाली से। निकाले के बाद में शाम को मीटिंग रख के गांव में जो सियान मन है वो मुकरमन से 5,000-5,000 रुपये दंड ली से, साथ में पद से उतार भी दी से, चाहे ग्रामीण अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, और साथ में जो हमारे घनिष्ठता डिस्क्लोज रही से मतलब तो मन ओकर सहयोग करे हो करके 10,000 रुपये डंडी से, एक व्यक्ति फोटो खींचत रही ओकर से भी 10,000 रुपये डंडी से, और हमर मन के लिए गांव में आए जाए के लिए प्रतिबंध लगा है। अगर हम वो गाँव में काकरों भी व्यक्ति यहाँ जात हन तो 10,000 रुपये दंड ली, कोई हमर से बात भी कर लेते तो वो व्यक्ति ला 10,000 रुपये के दंड ले है। ये कैसा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आप समझ सकते हैं कि मोबाइल से गांव वालों से बात करने को मना किया गया है, वे एक छोटे से गांव से रुक करके राजधानी न्याय की मांग को लेकर आए हैं। देखना होगा कि इस मसले को लेकर के शासन प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करती है।